लेबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह, 10 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की जानिब से भी जवाबी वार जारी हैं। लेबनान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। बैरूत की अहम बिल्डिंग्स इसराइली फौज के निशाने पर। मिसाइल हमले में कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फौज बैंकों के बाद अस्पतालों पर हमला आवर। बैरूत के साहिल अस्पताल को फौरी खाली करने की वार्निंग। इंतजामिया ने लेबनानी फौज को अस्पताल की तलाशी लेने का मशवरा दिया। हिजबुल्लाह ने भी तल अबीब पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इसराइली दारुल हुकूमत में हंगामी हालात नाफिज। बिन गुरियान एयरपोर्ट की परवाजें कई घंटे मुअत्तल रही। हिफा में सहूनी नेवी की बेस पर मिसाइल हमला किया गया। यमन से हौसियों ने भी तल अबीब पर मिसाइल दाग दिए। बमों की बारिश में कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मीडिया ब्रीफिंग में हिजबुल्लाह के तर्जुमान का दो टोक मौकफ। मुज़ाकरात की बात करने वाले अमरीका को इसराइल का इत्तेहादी करार दिया। गज़ा में इसराइली फौज की सफाकियत जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक दो रोज में 7 मकामात पर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के वाकयात हुए। मजीद 115 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 42,718 हो गए। 1,00,000 से ज्यादा जख्मी है। इसराइल के इंतहा पसंद यहूदी फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं। गजा सरहद पर कैंप लगा लिए। गजा की बंदर बांध का नक्शा भी तैयार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के 35% अहलकार जहनी दबाव का शिकार है। गजा से हर माह 1,000 इसराइली फौजी जख्मी होकर वापस पहुंचते हैं। बेशतर फौजी दोबारा गजा जाने पर खुदकुशी को तरजीह देते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की, जिसमें गजा तक इमदाद की रसाई और जंग के बाद गजा के मामलात पर तबादला ख्याल किया। एंटनी ब्लिंकन ने वाज़ह किया कि गजा में इमदाद नाकाफ़ी है, मज़ीद सामान की तरसील मुमकिन बनाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई है कि शिमाली गजा को अलग करने की कोई पॉलिसी नहीं है।